दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स के एक और प्रोडक्ट के बारे में जिसको हम जानते हैं एपेक्स के नाम से। मैं आपको बताना चाहूँगा यह प्रोडक्ट एशियन पेंट्स के प्रीमियम सेगमेंट में आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सटीरियर वॉल फिनिश के लिए हो या इंटीरियर वॉल फिनिश के लिए, कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं लगभग उनको तीन सेगमेंट में बांटा हुआ है, एक इकोनॉमी, दूसरा प्रीमियम और तीसरा लग्जरी। एक्स्ट्रा वॉल फिनिश के लिए जो इकोनॉमी रेंज है जिसको हम एस के नाम से जानते हैं उस पर ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। आज जिसको हम एपेक्स के नाम से जानते हैं यह प्रोडक्ट प्रीमियम रेंज में आता है, तो आज इस पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे एपेक्स हमें अपनी दीवार पर क्यों लगाना चाहिए, दरअसल इसके प्रोडक्ट फीचर्स क्या होते हैं, इसके प्रोडक्ट बेनिफिट क्या होते हैं, इसको लगाने का सही तरीका क्या है, डाइल्यूट करने का सही रेशो क्या है, तो ऐसी ही कुछ डिटेल चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों ये जानकारी आप तक पहुंचे उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, समस्त बंधु भाइयों को जो मेरी वीडियो के प्यार सम्मान दे रहे हैं उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों ऐसे वीडियो देखते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, ठीक है। और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ता हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ और अपना वीडियो स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल भिकाजी टॉक वर्क। मैं आपका भाई आपका दोस्त अजीत सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों जैसा कि आप जान चुके हैं कि आज की जो चर्चा होने वाली है वो एपेक्स के ऊपर होने वाली है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एपेक्स है क्या। एपेक्स बेसिकली एशियन पेंट्स द्वारा निर्मित एक्सटीरियर वॉल फिनिश के लिए यानी कि बाहरी दीवारों के लिए बनाया गया एक इमल्सन पेंट है जो प्लास्टिक कैटेगरी में आता है। इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं और काफ़ी सारे प्रोडक्ट बेनिफिट्स हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में। फीचर्स मतलब विशेषताएं, जो प्रोडक्ट की जो भी विशेषताएं हैं उन पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। जो सबसे पहला फीचर्स आता है दोस्तों वो आता है इसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है और बहुत फेमस प्रोडक्ट है, इसकी जो अवेलेबिलिटी है कंपनी ने वो 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग आपको दी है। यह मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो भी पेंट का काम करता है वो लगभग इस पेंट को जानता होगा, सभी दुकानों पर ही अवेलेबल होता है। दोस्तों इसकी अपनी जो सेल्फ लाइफ होती है वो कंपनी 36 महीने की देती है यानी कि 36 मंथ, यानी कि 3 साल, 3 साल की इसकी अपनी सेल्फ लाइफ होती है, यानी कि 3 साल तक आप मैन्युफैक्चरिंग डेट से जो बाद के 3 साल हैं उसके पीरियड में आप इनको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। लेकिन 3 साल के बाद भी यदि कोई प्रोडक्ट आपके पास है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो एक्सपायर हो जाता हो, ठीक है। लेकिन यदि आप 3 साल के अंदर इसको यूज कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इसका जो अगला प्रोडक्ट फीचर आता है दोस्तों वो आता है इसकी वाशेबिलिटी। वाशेबिलिटी के अंदर बहुत अच्छा है, अव्वल दर्जे का ये वाशेबल है। हालांकि इसकी जो फिनिशिंग है वो रफ़ी देखने को मिलेगी आपको, यह पानी को दीवार में अंदर नहीं बैठने देता है ताकि प्लास्टिक पेंट है, पॉलीमर कंटेंट्स की मात्रा इसमें एस के मुकाबले ज़्यादा है, जो इसका एस सेगमेंट है उससे अच्छे ज़्यादा अव्वल दर्जे के पॉलीमर कंटेंट इसमें अंदर डाले हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यह अपनी वॉशेबिलिटी कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देगा। एस से जो इसकी प्राइम जो इसकी इकोनॉमी रेंज है एस, उससे काफ़ी अच्छी वॉशेबिलिटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब इसके अगले फीचर्स की बात करते हैं दोस्तों, वो है इसकी कलर रेंज। मैंने आपको बताया काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है और बहुत फेमस प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर एशियन कंपनी ने इसमें करीब 1700-1750 कलर शेड्स आपको अवेलेबल कराए हैं। 1700 कहाँ से, जो एशियन पेंट्स का अपना कलर कंट्रास्ट होता है, एक बुक होती है कलर कॉस्मोस, ठीक है, उसमें जो कलर की रेंज है वो करीब 2500 के आसपास है, तो उसमें से 1700-1750 कलर शेड्स आपको इसमें देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी फिनिशिंग की मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन फिनिशिंग इसकी आपको थोड़ी सी अच्छी दिखाई देगी अकॉर्डिंग टू एज सेगमेंट। जिसकी इकोनॉमी रेंज है उसमें फिनिशिंग हमें मैट दिखाई देती थी, इसमें थोड़ी सी सॉफ्ट सीन हमें देखने को मिलेगी, जैसा कि हमें इस पेंट से उम्मीद है। सॉफ्ट सीन का मतलब इस पेंट के अंदर थोड़ी सी चमक मिलेगी आपको 5 से 6 लुमिनस तक, ठीक है, और जो उसकी फिनिशिंग है वो बिल्कुल स्मूथ आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल एकदम सरफेस बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ आपने एक अच्छी क्वालिटी का पेंट कराया। तो ये बात इसकी हुई फिनिशिंग की दोस्तों। जो इसका अगला फीचर्स है वो है इसकी कवरिंग। कवरिंग भी प्रोडक्ट फीचर ही होता है दोस्तों। यदि हम एपेक्स की कवरिंग की बात करें और बात करते हैं सिंगल कोट की, तो यहाँ पर आपको करीब करीब 100-110 स्क्वायर फीट की कवरिंग देखने को मिलेगी,
और यदि आप डबल कोट करते हो एक लीटर में, तो वहां पर प्रति लीटर आपको डबल कोट के अंदर करीब करीब 50 से 60 स्क्वायर फीट की कवरिंग देखने को मिलेगी। बाकी कवरिंग की जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंड करती है आपके सरफेस की फिनिशिंग पे, सरफेस के क्वालिटी पे और आपके डाइल्यूट करने के तरीके पे। डाइल्यूट करने का जो इसका रेशो है दोस्तों, वो एक आदर्श रेशो जिसको हम कह सकते हैं, एक बढ़िया रेशो जो कह सकते हैं, वो करीब करीब 45 से 60% के बीच में है। कंपनीज को 45 से 60 50-60% आपको डाइल्यूट करने का रिकमेंडेशन देती है, यानी कि एक लीटर में हम 450 ml से 600 ml तक पानी मिला सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करें दोस्तों जो डार्क शेड है उसको ज़्यादा डाइल्यूट ना करें। ज़्यादा डाइल्यूट करने से उसमें आपको रोलर के पैचेज या ब्रश के पैचेज या जो भी टूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पैच आपको दिखाई देगा, ओपेसिटी अच्छी नहीं मिलेगी। इसलिए कोशिश करें कि आपको 45 से 50% तक ही डार्क शेड को डाइल्यूट करें। इसलिए जो भी डार्क शेड इस कंपनी के होते हैं या इस पेंट के होते हैं उसमें थोड़ी सी कवरेज कम मिलेगी आपको अकॉर्डिंग टू लाइट शेड। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स मैं एक बार और रिमाइंड करना चाहूँगा, जो इसका सबसे पहला प्रोडक्ट फीचर है इसकी मार्केट अवेलेबिलिटी, दूसरा इसका वाटर गार्ड रेजिस्टेंट होना, तीसरा इसका है इसकी फिनिशिंग जो हमें देखने को मिलेगी, चौथा फीचर जो इसका है इसकी कवरेज, और जो पांचवा फीचर है इसका वो है इसके कलर शेड्स की रैंक। तो ये हो गए दोस्तों इस प्रोडक्ट के फीचर्स। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों इसका जो सबसे पहला प्रोडक्ट बेनिफिट है वो है इसकी वेदर गार्ड टेक्नोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत अच्छा वाशेबल है, यह आपकी दीवारों को अल्ट्रावायलेट किरणों से, डस्ट से, जैसे कि इसके प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा होता है कि एंटी डस्ट टेक्नोलॉजी इसके अंदर है, और मॉइस्चर से, ह्यूमिडिटी से, जो मौसम में कुछ उमस टाइप की होती है उससे भी आपके दीवारों को ये दूर रखता है, किसी भी प्रकार का मॉइस्चर आपकी दीवारों में नहीं जाने देता है, ठीक है। यदि पहले से आपकी स्ट्रक्चर में दीवार में कोई मॉइस्चर है तो उसका तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन पेंट होने के बाद पेंट के ऊपर से किसी भी प्रकार का मॉइस्चर आपकी दीवार में नहीं जाने देता है। जो दूसरा बेनिफिट है दोस्तों वो है यह पेंट एंटी रेजिस्टेंट और एंटी एल्गी पेंट है। किसी प्रकार की एल्गी यानी कि नौनी, फंगस, किसी प्रकार का बैक्टीरिया आपकी दीवारों पर यह नहीं पनपने देता है, ठीक है। तो यह प्रोडक्ट लगाने का एक यह भी बेनिफिट है। दूसरा दोस्तों इस प्रोडक्ट की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लो वीओसी कंटेंट्स पेंट होते हैं। एशियन पेंट्स के मैक्सिमम पेंट जो हैं लो वीओसी कंटेंट पेंट है। लो वीओसी का मतलब जिनमें वाष्पशील उत्सर्जक यौगिकों की मात्रा बहुत ना के बराबर है, यानी कि बहुत कम है। यह किसी भी प्रकार से हमारी ह्यूमन बॉडी को, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे किसी भी छोटे बच्चे को या बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की कोई हानि इसके केमिकलों से नहीं होती है। दरअसल होता है ना कि हमारे परिवार में कई बंधु भाई होते हैं जो सांस की किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, ठीक है, दमा टाइप के पेशेंट कुछ होते हैं, तो उनको जो वाष्पशील उत्सर्जन यौगिक होते हैं जैसे कि आर्सेना, लेड, क्रोमियम, इस टाइप के प्रोडक्ट इस पेंट में डाले जाते हैं जिनमें से काफ़ी एक स्मेल टाइप की, गंध टाइप की निकलती है जो हमारे उन भाइयों को नुकसान पहुंचाती है जो किसी प्रकार के सांस की बीमारी से ग्रस्त हैं। तो इस पेंटों में, इन पेंटों में वह प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कंपनी ऐसा दावा करती है, ठीक है। और प्रॉपर मार्क भी लिखा होता है डब्बे के ऊपर भी कंपनी लिख के देती है फुल गारंटी वारंटी के साथ। अब बात करते हैं दोस्तों इससे अगले फायदे की। अगला फायदा यह है जब ये इतनी अव्वल दर्जे का पेंट है, इतनी अच्छी क्वालिटी का पेंट है, ये सारे कंटेंट फीचर्स इसके अंदर आते हैं जिन पर हमने चर्चा की, तो सीधी सी बात है अब बात इसकी आती है लायबिलिटी की, यानी कि ड्यूरेबिलिटी की। तो कंपनी 4 से 5 साल की गारंटी वारंटी इसकी देती है परफॉर्मेंस वारंटी की, ठीक है। लेकिन यदि आपकी दीवारों में किसी प्रकार का मॉइस्चर नहीं है, किसी प्रकार का कोई पानी का रिसाव वगैरह नहीं है, तो यह पेंट आपको 5 से 6 साल तक भी अच्छी चमक के साथ, अच्छी खूबसूरती के साथ आपकी दीवारों को बरकरार रखता है, आपकी दीवारों की लाइफ को बना के रखता है, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी में भी इसमें कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों ये थे इसके प्रोडक्ट बेनिफिट जिन पे मैंने आपको अभी चर्चा की, यानी कि पहला प्रोडक्ट बेनिफिट ये वेदर गार्ड है, एंटी रेजिस्टेंट है, दूसरा बेनिफिट ये एंटी एल्गी पेंट है, तीसरा बेनिफिट ये आपकी दीवारों को अल्ट्रावायलेट किरणों से, डस्ट से, ठीक है, किसी प्रकार के मॉइस्चर से बचा के रखता है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात है ये कम लो वीओसी पेंट है, ठीक है, यानी कि मैंने जैसा कि बताया आपको इसमें वाष्पशील उत्सर्जन यौगिक नहीं है। तो ये सारे प्रोडक्ट बेनिफिट हैं। अब हम यह समझ गए होंगे दोस्तों कि इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों लगाना चाहिए,
और इस प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स हमें देखने को क्या क्या मिलेंगे। ठीक है, यदि हम इसके ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं तो क्यों करें। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पैसे के बारे में नहीं बताया, आज की डेट में ये आपको करीब करीब 390 से 450 रुपए के बीच में कहीं भी मिल जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर पर लीटर का रेट है दोस्तों। ठीक है, बाकी प्रत्येक पैकिंग के साथ इसकी MRP अपनी लिखी होती है। उस पर यदि हम डिस्काउंट की बात करें तो छोटी पैकिंग यानी 1 लीटर 4 लीटर पे करीब करीब आपको 5 से 10% के बीच में डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। 15% भी कई बार मिल जाता है। ठीक है, और जो इसकी बड़ी पैकिंग है यानी कि 10 लीटर और 20 लीटर, वहाँ से 15 से 20 या 25% तक का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप MRP पे ज़्यादा ध्यान दें और डिस्काउंट पे फोकस करें। ठीक है, बाकी मैं जो रेट आपको बता रहा हूँ 350 या 400, यह रेट समय के साथ ऊपर नीचे होते रहते हैं, पैकिंग साइज बदलती रहती है, पैकिंग की प्रिंट बदलते रहते हैं, तो आप डिस्काउंट पे फोकस करें। डिस्काउंट हमेशा यही रहेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यह समस्त जानकारी दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की और मैं समझता हूँ कि आप तक पहुँची हो। और यदि नहीं पहुँची है, आपकी कोई क्वेरी है, आपकी कोई सुझाव है, आपकी कोई गिला शिकवा है, ठीक है, कुछ भी आप जो भी आप फील करते हैं वीडियो के बारे में या मेरे बारे में, वो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर आपको प्रतिक्रिया देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और ऐसी वीडियो दोस्तों देखते रहिएगा, ऐसी प्यार सम्मान देते रहिएगा। और अभी अपने भाई को इजाज़त दीजिए और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी अच्छी और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।